Assalamu alaikum students, welcome to part 2 in study techniques. Now we are going to learn about SQ3R. S for survey, Q for question, और जो 3R हैं उसमें पहला जो R है वो read है, second वाला R जो है वो recite है और third वाला R revise है. ये खास टेक्निक है, आइए देखते हैं कि किस तरह ये इम्प्लीमेंट की जाती है अपनी स्टडी में. ये टेक्निक जो है, ये मेथड जो है, ये इंट्रोड्यूस करवाया फ्रांसिस प्लीजेंट रॉबिन्सन ने 1946 में. तो अब आइए देखते हैं कि सर्वे क्या है. एक्चुअली सर्वे में क्या होता है कि द पर्पस ऑफ सर्वेइंग द चैप्टर इज टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट इट इज गोइंग टू बी अबाउट. यानी होता ये है कि हम जब सर्वे करते हैं, जो टेक्स्ट हमारे सामने आता है, सबसे पहले हम उसको एक जनरल सी नज़र लगा लेते हैं उसके ऊपर, एक जनरल सी नज़र लगा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किस काइंड की इंफॉर्मेशन है जो आथर हमें देना चाह रहा है और कितने सब टॉपिक्स हैं मालूमात के जो कि ब्रोकन डाउन किए गए हैं और कितना टाइम लगेगा हमें इसको रीड करने में, ख़ास बात. और इस सर्वे के पार्ट में और सर्वे के स्टेप में हम क्या करते हैं कि चैप्टर का टाइटल पिक करते हैं, इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है उसका, उसके ऑब्जेक्टिव्स मकासद क्या हैं, हेडिंग्स क्या हैं और सब हेडिंग्स क्या हैं. ये ख़ास बात समझनी है क्योंकि यहाँ पे हमने आगे कीवर्ड्स बनाने सीखने हैं. तो हेडिंग्स क्या हैं, सब हेडिंग्स क्या हैं, समरी क्या है उसकी, रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं कुछ, और ग्राफिक्स और विजुअल्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें हम सर्वे में स्टडी करते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास जो इसका स्टेप है SQ3R का, वो है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, टर्न ईच हेडिंग इनटू अ क्वेश्चन बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यानी हम क्या करते हैं कि हम जब सर्वे करते हैं उस सर्वे में हम देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है, क्यों है, कहाँ से ये क्वेश्चन पैदा हुआ और किसकी बात की जा रही है, जो बात हो रही है वो कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई. हम ये कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं. द रीज़न फॉर क्रिएटिंग अ क्वेश्चन आउट ऑफ ईच हेडिंग इज़ टू सेट अ पर्पस फॉर रीडिंग द मटेरियल इन मोर डिटेल्स. मकसद ये होता है क्वेश्चंस इन पैदा करने का ताकि हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढें और हम डिटेल में स्टडी करें और स्टडी में इंटरेस्ट पैदा हो हमें. When you are reading to find the answers to a specific question, you are reading actively. Actively हम read करते हैं अगर हमारे जहन में questions होंगे. पहले हम survey करते हैं, वो survey हमें questions की तरफ लेके जाता है और questions को के answers को, questions के answers को find करने के लिए हम reading करते हैं. Actively read the section of the text accompanying the heading for an answer and the supporting details. तो हमने क्या करना है कि जब हमने जेन में क्वेश्चन रख लेने हैं, फिर हमने टेक्स्ट को रीड करना है और उसकी हेडिंग्स को गौर से पढ़ना है और जो सपोर्टिंग डिटेल्स दी गई हैं उनको हमने गौर से पढ़ना है. टू द क्वेश्चन यू आस्क योर सेल्फ इन स्टेप टू. जो स्टेप टू में आपने अपने आप से क्वेश्चन किया था उनके आंसर्स फाइंड करने के लिए हमने ये सारा काम करना है, इसलिए हमने रीड करना है. अब देखें हम जो स्टडी करते हैं अमूमन वो किस तरह करते हैं. हम जस्ट टेक्स्ट पकड़ते हैं और उसको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं है. पहले आप उसको सर्वे करें, उसका देखें कि ये किस किस्म का टेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है. फिर आप जेन में क्वेश्चन पैदा करें कि भाई ये कैसे है, ये किस तरह से है, ये क्यों है, और फिर आप उसको पढ़ेंगे और से तो फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट रिसाइट का ऑप्शन है जी हमारे पास और स्टेप है. तो रिसाइट का मतलब क्या है, रिसाइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन. देखें जब हमने क्वेश्चन अपने जेन में रखे थे, फिर हमने उस टेक्स्ट को रीड किया, जब रीड किया तो अब क्या करेंगे कि अब हमने हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हमने अपने आप को बताना है कि भाई ये मेरे जेन में क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है. KWL आपको याद है ना, चार्ट, कि मुझे पता क्या था, मैं क्या करना पता करना चाह रहा था, मुझे क्या पता चला. पुट द आंसर इन टू योर ओन वर्ड्स. अब जो आंसर आपको मिला है ना वो एक तो लिखा हुआ टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन आप क्या करें उसे अपने अल्फाज में लिखें. आर रीफ्रेज द आथर्स वर्ड्स, या जो मुसन्नफ़ के अल्फाज हैं उनको आप अपने अल्फाज में लिखें. इन दिस वे योर कम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन विल इम्प्रूव. इस तरह से आपकी जो कम्प्रीहेंशन पावर है और जो याद रखने की पावर है और चीज़ों को लिखने की पावर जो है वो इम्प्रूव होगी. आवर माइंड कैन कंसनट्रेट मच बाय सेइंग लाउडली. अब रिसाइट का मतलब ये है हम रिकॉर्ड करें अपने दिमाग के अंदर चीज़ को बिठाएं. यहाँ थोड़ा रट्टा कह लें कि आ जाता है,
हमने लाउडली क्या करना होता है उस चीज़ को समझना होता है ताकि हमारे कान, हमारी आँखें, हमारी ज़बान सारे कंसंट्रेट करें एक चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ दिमाग जल्दी पिक कर लेता है। राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है, वो जो क्वेश्चन थे वो आप नोट कर लें अलॉन्ग विद द फ्यू कीवर्ड्स। अब उसके आप कुछ जवाब लिखें कीवर्ड्स की शक्ल में या फ्रेजेस की शक्ल में और समराइज़ करें आंसर को। यू कैन यूज़ माइंड मैप टेक्निक फॉर विजुअल्स। हम माइंड मैप की जो टेक्निक हमने पढ़ी थी वो भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा दिमाग है याद रखें वो पिक्चर्स में सोचता है। हमारा जो दिमाग है माइंड, ये इमेजेस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है, तो लिहाजा हम माइंड मैप यहाँ बना सकते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर लें। तो ये जो रिसाइट करना है लाउडली बोलकर या बार बार रिपीट करके, ये रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आ रहा है लास्ट स्टेप योर, वो रिवाइज है। रिवाइज और रिव्यू, आपको पता है कि टू रिव्यू कवर द आंसर्स एंड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन। आपने जब रिव्यू करना हो तो अपने आप से आप सवाल पूछें वही वाला और देखें आप वो क्या वो जवाब दे पाते हैं जो आपने रिसाइट किया है। इफ़ यू कांट आंसर द क्वेश्चन, अगर आप आंसर नहीं कर सकते, लुक एट योर नोट्स एंड टेस्ट योर सेल्फ अगेन। तो फिर क्या करें, अपने नोट्स जो आपने बनाए थे रिसाइट के प्रोसेस को रिपीट करें। वंस यू आर श्योर यू नो एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर, चेक इट ऑफ। जब आप देख लें कि मुझे क्वेश्चन का भी पता है, वो तो पता आपको पहले ही था, आपने क्वेश्चन जेब में रखा हुआ था और सवालात पूछे जाते हैं, आपको पता है टेक्स्ट में से सवालात पूछे जाते हैं, आप सवाल पैदा कर लें या जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी समझें कि आपके ही जेहन में पैदा हुए हैं, फिर उनकी उनके आंसर के लिए रीडिंग करेंगे, फिर उनको रिकॉर्ड कर लेंगे रिसाइट। अब रिवाइज़ करने का टाइम है, तो हम रिवाइज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चन मेरे माइंड में था, ये मैंने क्वेश्चन किया है, ये उसका आंसर है, दैट्स इट। द पर्पज़ फॉर रिव्यूइंग इज़ टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द इवेंचुअल टेस्ट। अब ये रिव्यूइंग का मकसद ये होता है ताकि आप किसी भी टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार कर लें। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू पीपल रीड टेक्स्ट बुक्स फॉर प्लेजर। खास बात समझें कि खुशी के लिए तो बहुत कम लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, ऐसी बात ही है ना। दे आर रीड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन एंड टू रिमेंबर एंड अप्लाई इट इन अ टेस्टिंग सिचुएशन। वो इसीलिए पढ़ते हैं कि क्या किया जाए, मालूमात को जेहन में रखें और इसको याद रखें और टेस्टिंग में उसको यूज़ करें। रिव्यूइंग हेल्प्स यू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। जो रिव्यूइंग है ये आपको मालूमात जेहन में रखने के काम आती है, यानी आप जो पढ़ा है ना, देखे ना सर्वे आपने किया दो तीन मरतबा, आपने टेक्स्ट को स्किम किया और हल्का हल्का उसको देखा, फिर आपने क्वेश्चंस खुद से दिमाग में पैदा किए, नहीं तो आप उस टेक्स्ट के नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो पूछे जाते हैं, जो सवालात एग्ज़ाम में आते हैं उनको पढ़ लें, फिर आप उनके आंसर रीड कर फाइंड करने के लिए टेक्स्ट को रीड करें, फिर आप उनको रिकॉर्ड करें, डिसाइड करें, बुलंद आवाज़ में बोल सकते हैं, और फिर आप उनको रिवाइज़ करें बाद में, दिमाग में उनको ले के आएँ बाद में कि ये क्या मैंने सीखा है और मैं क्या मैं लर्न कर रहा हूँ। ये चीज़ें हैं जी SQ3R। अब आए हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि ये है क्या चीज़ और किस तरह हम इस पर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मज़मून पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल का। अब देखिए इस मज़मून में हम पहले देखते हैं कि आप सियालकोट में पैदा हुए हैं 9 नवंबर 1877 को एंड एटसेट्रा। ये मैं पढ़ने नहीं जा रहा, ये सब कुछ आपको पहले पता है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब इसे गौर से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा वैसे, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको अब गाइड करना है की पॉइंट्स पर और समझाना है की पॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरह हम SQ3R टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, अब देखें ये जो मज़मून है इसमें हम क्या करते हैं, हम इस पे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इनका हम इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आए जी देखते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन। अब क्या करेंगे हम कि हम देखेंगे कि जी पर्सनली इकबाल जो हैं वो कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, फिर हम देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं आपके वो कौन हैं, वो कहाँ से आए, कहाँ के थे और कब वो कहाँ से तशरीफ़ लाए। इस तरह के जो कुछ क्वेश्चंस हैं और भी आप यहाँ लगा सकते हैं, वाई भी लगा सकते हैं कि वो क्यों इधर सियालकोट में आए, कहाँ से आए। इस तरह के आप जो क्वेश्चंस हैं वो जेहन में रखेंगे तो आप पूरा मज़मून तैयार करेंगे। देखिए मैं की पॉइंट्स निकाल लूँ, इंट्रोडक्शन में हम पर्सनली देखेंगे कि आप कब और कहाँ पैदा हुए, पेरेंट्स कौन थे, कहाँ से आए थे, कब आए थे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि इकबाल एक ग्रेट आपको पता है पर्सनैलिटी है, तो कोई बंदा ग्रेट होता है अपनी एजुकेशन और अपनी किसी कारनामे की वजह से, किसी एक्टिविटीज़ की वजह से। तो हम देखेंगे एजुकेशन क्या है।
देखेंगे मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, मास्टर कहाँ से किया और कब किया, ख़ास बात। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं और मैंने पहले आपको सर्वे बता दिया, थोड़ा सा हमने मज़मून को देख लिया है, अब हम क्वेश्चंस पैदा कर रहे हैं दिमाग में। बारेट ला किया, पीएचडी की, कहाँ की, कब की, अच्छा टीचर्स कौन थे, अच्छा उसके बाद देखें जी अचीवमेंट्स क्या थी आपकी, उसमें आपने सबसे पहली बात क्या आपने पोइट्री एंड इट्स मैसेज क्या था आपका और क्यों था, क्यों पोइट्री की आपने, आपको पता है मुसलमानों को बेदार करने के लिए की थी, और क्या पोइट्री की थी, वो तो कुरान पाक की पूरी तफसीर है, और क्या पोइट्री थी उसमें आप देखें कि उसमें पर्शियन भी है, उसमें उर्दू भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेपरेट होमलैंड के लिए आपने कब, क्यों, कब और कहां पर ये बात हुई, खुतबा इलाहाबाद आपको याद है, 1930 आपको याद है, देखें ये की पॉइंट्स हैं सारे। फेमस बुक्स आपकी कौन सी हैं, क्या हैं, ठीक है ना, आपको पता है अभी ये बाले जबरील है, फिर उसके बाद हमारे पास जवेद नामा है एंड एट्सेट्रा, और भी बुक्स हैं, अब जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसको हम फाइंड करेंगे वहाँ से। अब पासिंग अवे हमने देखना है, तो पासिंग अवे जो आ रहा है ये इसका मतलब है कि आप कब इंतकाल कर गए, तो देखें डेथ हुई, कब हुई और कहाँ हुई, डेट का पता है, और कहाँ दफन है, और ये भी आपको पता है मकबरा इकबाल कहाँ है, लाहौर में बासी मस्जिद के पास। देखें ये की पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, अब इनके आंसर्स देने के लिए हम क्या करेंगे, ये मज़मून देखें आपके सामने है, तो ये मज़मून पूरा आपके सामने है, इसको आप गौर से एक दफ़ा पढ़ लें, और सारे वो जो की पॉइंट्स थे उनके जवाब आप यहाँ से ढूंढेंगे, और उनके जवाब ढूंढने के लिए क्या करते हैं ये गौर कीजिएगा। ये देखें यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं वही की पॉइंट्स, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अब आप जब इन की पॉइंट्स के लिए इसको स्टडी करेंगे टेक्स्ट को, तो आपको मज़मून याद करने में आसानी होगी। देखें ये 160 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, लेकिन ये आपके जो की वर्ड्स हैं सारे 15-20 होंगे, इनको याद कर लेने से आप पूरे मज़मून को याद कर लेंगे। दिस वाज द SQ3R टेक्निक। तो आई थिंक आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझ गए होंगे चीज़ें, तो याद रखें की पॉइंट्स पर फोकस करें। अगर आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई को आसान बनाना और अंडरस्टैंडेबल बनाना और मुश्किल से निकलना, तो की पॉइंट्स पर फोकस करें। हर सवाल के अंदर कुछ चंद की पॉइंट्स होते हैं, बस वो आप अपने जहन में जहन नशीन कर लें, तो बाद में सिर्फ उन की पॉइंट्स को ही याद रखेंगे तो आपकी किताब जो बहुत बड़ी किताब है वो सिमट कर और श्रिंक होकर छोटी हो जाएगी। तब ख़ास बात कि द टीचर्स ऑफ द MC कॉलेज प्रैक्टिस की पॉइंट्स एवरी फ्राइडे इन एक्टिविटी सेशन। तो इस कॉलेज में क्या होता है, हर फ्राइडे एक्टिविटी सेशन होता है जिसमें टीचर्स जो हैं वो की पॉइंट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। इस तरह से हमारी स्टडी आसान हो जाती है और हमें जो स्टडी है वो बोझ नहीं लगती। तो ये थी आपकी स्टडी टेक्निक्स, और आपको बताया गया तरीका कि कंसेप्चुअल स्टडी क्या होती है। रट्टे से, क्रैमिंग से निकलें, की पॉइंट्स पर फोकस करें, और बाद में उन्हीं की पॉइंट्स को याद कर लेने से आप पूरे सवाल के जवाब को याद कर लेंगे। सो दिस is your today's lecture.